Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is September 19, 2020, but the session we're going to talk about is for September 18, 2020. हमने एक volatile session देखे on Friday. आपका intraday में index went down by 100 points, red में. We saw it in green, it was a volatile session. And finally, आपके index ने closing दी है 0.40%, 170 points. And it closed at 42,504.76. Volume आपका substantially it was okay, 331.72 million shares का काम हुआ. Let's see आपके हम देख लेते हैं कि आज भी हम यही पांच major indicators लेंगे. हम KC100 index को भी देखेंगे और हम इसके साथ साथ हम जो आपके हमारे टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स हैं उसको भी देखेंगे और KSE ऑल शेयर इंडेक्स को भी देखेंगे. आई एम सॉरी, स्टार्टिंग अवर एनालिसिस टुडे, आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की जो वैल्यू है इट इज ऑन 71 नाउ, 71.53 और 6 यू कैन से. अब ये है कि अगर आप देखिए तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 70 की वैल्यू पे आया था, अपने पिछले करेक्शन उसने दिए. उससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी पिछले वीक में, आपका ये था 77-78 पे आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स था. और मेरा बेसिस मेरा जो उस लास्ट वीडियो में आर्ग्यूमेंट ये था कि आपके इंडेक्स को हमें मार्केट को आगे एक रेंज बाउंड सेशंस या मेजर करेक्शन ऑफ मोर देन 700-800 पॉइंट्स की आपको विटनेस करने की ज़रूरत है, या फिर आपके काफ़ी सेशन रेंज बाउंड रहेंगे, एक छोटी छोटी करेक्शन देंगे ताकि आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको नीचे एक वैल्यू पे सेटल कर सके. लुकिंग एट फ्राइडे का एक सेशन आपका ग्रीन है, मगर उससे हम पिछले जितने भी सेशन देखें तो दे ऑल वर नेगेटिव सेशंस, दे ऑल विटनेस अ स्मॉल करेक्शन. लाइक वी वर सेइंग, लाइक नॉट वी वर सेइंग कि मैं हम इसको फोरकास्ट कर रहे थे, बट दिस इज व्हाट वी वांटेड. हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होना यही चाहिए ताकि वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को नीचे आ सके. इससे पहले के सेशन में देखिए तो 52 पॉइंट्स बेयरली उसका था रेंज बाउंड सेशन. उससे पहले के सेशन में करेक्शन, माइनर करेक्शन ऑफ 64 पॉइंट्स. उससे पहले के सेशन में 184 पॉइंट्स की करेक्शन. उससे पहले के सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट इंडेक्स. उससे पहले के करेक्शन सेशन में फिर 116 पॉइंट्स की करेक्शन. फाइनली फ्राइडे को आपने एक पॉजिटिव, हल्का सा पॉजिटिव सेशन देखा है. नाउ व्हाट आई थिंक कि शायद अगर आप आगे थोड़ा सा आप एक बुलिश या ग्रीन सेशंस देखते भी हैं तो शायद इतने सब्सटेंशियली इतने स्ट्रांग ना हो. मे बी दिस इज व्हाट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखे. अगर मैं कहता हूँ कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वापस 70 की अपनी एक सपोर्ट दिखा के वापस ऊपर जा रहा है तो इसने फिर आई थिंक सो कि इसने अपने आप को रेंज बाउंड रखना. इट्स नॉट गोइंग टू क्रॉस मे बी 81 और समथिंग. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन कमिंग सेशन. इस पर हम प्लॉट कर लेते हैं एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स. और एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स भी देखिए तो उसने अपने आप को स्ट्रांग ही रखा हुआ है. वो 53 की अपने आप को वैल्यू पे चल रहा है, शोइंग कि जो भी इसका लॉन्ग टर्म मोमेंटम है और वी परसीव के इट्स बुलिश मोमेंटम. मार्केट इज गोइंग अप डिस्पाइट स्मॉल करेक्शंस, मार्केट की डायरेक्शन अपवर्ड है. तो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आपको ये इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कि आपकी जो भी अपवर्ड मूवमेंट है इट्स बेस्ड ऑन अ स्ट्रांग नंबर्स. यहाँ पे मैं इचुमोकू क्लाउड भी प्लॉट करूंगा और वो लाइक ऑलवेज हमें इचुमोकू भी एक आगे बुलिश हमें एक मोमेंटम आपको दिखा रहा है, एक बुलिश मोमेंटम भी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखा रहा है. अगलों पे अगर आप आइए कमोडिटी चैनल इंडेक्स पे तो कमोडिटी चैनल इंडेक्स की वैल्यू इज ऑलमोस्ट सेटल्ड एट 66 पॉइंट्स. 66 और ये अपने आपको एक्सट्रीम ओवर बॉट से लेकर नीचे लेकर आया. जहन में रखिए कि आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अभी भी अपने ओवर बॉट लेवल पे ही है. कमोडिटी चैनल इंडेक्स अपने आपको ओवर बॉट लेवल की रेंज में रखते हुए मगर एक्सट्रीम ओवर बॉट से नीचे लेकर आया है. इससे पहले इसने जो लोएस्ट वैल्यू दिखाई हुई थी ऑलमोस्ट ये अपने आपको जीरो पे इसने आपको सेटल किया है इसने एक दफ़ा. उसके बाद इसने अपनी हाइस्ट वैल्यू 202 दिखाई हुई है. राइट नाउ इट्स ऑन 75. There is still a margin for upward or downward to as per commodity channel index. MACD को हम देखिए. अब MACD आपका
आपका आपकी रेड लाइन ऊपर है और आपकी ब्लू लाइन नीचे है, आपको एक बेरिश ट्रेंड बता रहा है और इसका डाइवर्जन भी आपस में इट्स काफ़ी है कि अगर आपको आगे भी की भी छोटी मोटी करेक्शन इंडिकेट कर रहा है। लुकिंग एट इसको इसको देखते हुए मे बी आप आगे एक छोटे मोटे आप रेंज बाउंड एक्टिविटी शायद सेशन फ्लैट देखें वही देखें और दिस एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं। देखिए एक तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखिए जो उसको हम हमेशा कंपेयर करते हैं 2019 की रैली के साथ, तो RSI ने अपने आप को सेटल किया था अराउंड 55 की वैल्यू पे, एक दफ़ा अपना लोएस्ट दिखाया था और एवरेज मैं रखा हूँ तो 60। हम यही चाह रहे हैं कि शायद ये अपनी अपने आप को 50 to 60 की वैल्यू में एक दफ़ा लेकर आएगा या मे बी उससे भी नीचे लेकर आता तो बहुत अच्छा, तो दैट कुड बी अ रीज़न के मार्केट आपको फर्दर अच्छे 4-5 हज़ार फर्दर पॉइंट्स या 2-3 हज़ार फर्दर पॉइंट्स की अच्छी आपको अप्रिसिएशन और एक और आपको बुलिश मोमेंटम कैरी करते हुए 45,000 से ऊपर लेके जाएगा आपको इंडेक्स और हम शायद 50 or 51,000 भी देख लें, दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट। बाकी यहाँ पे स्टॉक हैस्टिक की आप देखिए तो स्टॉक हैस्टिक आप देखिए तो बड़ा क्लियरली आपको एक अपवर्ड मूवमेंट आपको अब इंडिकेट कर रहा है। हुआ ये है कि पिछले काफ़ी रेड सेशंस के बाद आपकी ब्लू लाइन शार्पली डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ कट कर रही है और इट्स इंडी दैट इंडिकेट्स के आगे के आपके आपके ग्रीन सेशंस होंगे। KSE ऑल 100 इंडेक्स को अगर हम देख लें तो उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 74, सेम काइंड ऑफ मूवमेंट फॉर के जैसे कुछ जो KSE 100 इंडेक्स डिपेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप इसका MACD देखें तो इसमें भी आप देखिएगा कि बिल्कुल अभी क्रॉस हुई है, रेड लाइन ने ब्लू लाइन को ऊपर से क्रॉस किया इंडिकेटिंग अ बेरिश ट्रेंड। मैं इसका भी स्टॉक हैस्टिक देख लेता हूँ। अगर आप इसका भी स्टॉक हैस्टिक देखें तो जस्ट लाइक KSE 100 इंडेक्स वो भी अभी आपको इसने इसकी ब्लू लाइन ऊपर से कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो दोनों के मे बी ऑपोजिट ट्रेंड्स हैं MACD और स्टॉक हैस्टिक फॉर KSE 100 इंडेक्स एंड KSE ऑल शेयर इंडेक्स। MACD आपको प्रॉबेबली एक दिखा रहा है एक ट्रेंड जो प्रॉबेबली आगे वीक हो जाए बेरिश ट्रेंड को और स्टॉक हैस्टिक आपको आगे एक आपको स्टॉक हैस्टिक आपको आगे एक आपको आगे एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है डिपिक्ट कर रहा है। आपकी एवरेज ट्रू रेंज फॉर KSE 100 इज 465 पॉइंट्स, इसका मतलब यह है कि आपका इंडेक्स एक दिन में एवरेज 465 पॉइंट्स की चेंज दिखा सकता है, ये इस किस्म की एवरेज वो मेंटेन कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जैसे हमने डिस्कस किया मैं इसको न्यूट्रल करूंगा। MACD आपका टोटली बेरिश है, इचुमोकू इज बुलिश, स्टॉक हैस्टिक इज बुलिश, कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी मैं आपको न्यूट्रल करूंगा। तो आई थिंक आपके आगे के सेशंस कुड बी अ बिट ग्रीन मगर बहुत ज़्यादा शायद आप उसमें वो ना देखें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस फॉर मंडे। सपोर्ट आपकी जो पहली सपोर्ट है वो 42,307 पे, सेकंड सपोर्ट इज 42,111, थर्ड सपोर्ट इज 41,987। रेजिस्टेंस अगर आप मार्केट ऊपर जाती है तो 42,628 पे पहली रेजिस्टेंस देखेंगे, आपकी सेकेंड इज 42,751, थर्ड इज 42,948। अच्छा अब लेट मी फिक्स इट। आपके जो मार्केट परफॉर्मर्स हुए हैं राइट, अगर आप आज के हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स देखें, टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स फॉर फ्राइडे, तो सबसे पहले आपके पास PIBTL है जिसमें 75 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और उसमें आपने गेन भी देखा है 4.72% का। उसके बाद आपके पास यूनिटी फूड्स है ऑलमोस्ट कैप्ड 45 मिलियन शेयर्स का काम। आपके पास 4G फूड्स है FFL ऑल्सो ऑलमोस्ट 4.55% 38 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम टर्नओवर। कराची इलेक्ट्रिक ऑलमोस्ट 5% 35 मिलियन शेयर्स का काम, इट्स 4.28। कैपको आपका पहली दफ़ा टॉप ट्रेडेड बड़े अरसे बाद आया है टॉप ट्रेडेड टॉप 10 स्टॉक्स में, 35 मिलियन शेयर्स का काम हुआ मगर इट वेंट डाउन ऑलमोस्ट लो फ्रीज हुआ।
इसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट अर्निंग पर शेयर वाज वाज वेरी गुड एज कंपेयर टू लास्ट ईयर फाइनेंशियल 2019। सेल्स इसकी डिक्लाइन हुई है मगर फिर भी अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छी थी, मगर डिविडेंड कोई अनाउंस नहीं हुआ क्वार्टरली। अगर आप देखिए तो 2020 का जो डिविडेंड है टोटल 1.5 रुपये एज कम्पेयर टू 4.5 रुपये, 4.5 रुपीज इन 2019। मे बी ये दैट्स द रीजन इसमें इतना इतना वॉल्यूम पड़ा, बट स्टिल फंडामेंटली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग शेयर्स ऑफ इन अवर स्टॉक मार्केट। फिर पीटीसी है आपके पास 28 मिलियन शेयर्स का, हैस्कॉल लाइक ऑलवेज हमेशा आजकल से टॉप ट्रेडेड में ही रहता है, एएससी, पीआरएल, पावर उसके बाद होते हैं। नो नो, वी आल्सो गोइंग टू लुक एट, हम देखेंगे कि इन्हीं जो टॉप रेट स्टॉक्स हैं हम इनका भी देखेंगे कि व्हाट इज इनका इनके बारे में क्या कहते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। अगर हम सबसे पहले पीआईबीटीएल को देखिए तो पीआईबीटीएल का आपका जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं अगर देखूँ तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 67 67, और इसने अपनी हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने अगर वैल्यूज की अपनी दिखाई है तो वो इसने 80 दिखाई है। इसके पिछले बहुत अच्छा वॉल्यूम पड़ा था, 1 ईयर 1 साल का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था इसका, बल्कि मैं आपको बताऊं तो 3 साल का भी हाईएस्ट वॉल्यूम आपने देखा है एज ऑन 9 सितंबर, 57 मिलियन शेयर्स का इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी कंफर्म यू अगेन, जी 9 सितंबर को इस पे वॉल्यूम, सॉरी 122 मिलियन शेयर्स का पड़ा, जो इसका 3 साल का पिछले 3 साल का हाईएस्ट वॉल्यूम है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसने जो लोएस्ट वैल्यू इसने अभी दिखाई है 61 पे इसने आके सेटल किया, और अभी जैसे मैंने आपको 67 पे है, मे बी ये आपके इंडेक्स के साथ मार्केट रैली के साथ मूव कर रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ आइटम। इसका एमएसीडी आपको इतना शार्पली कट नहीं दिखा रहा, मे बी थोड़ा सा आप आगे थोड़ी सी इसमें थोड़े बहुत करेक्शन देख लें आगे किसी सेशन में, या देखें, या ये भी अगले अगला सेशन बताएंगे कि ये आगे आपको किस तरह मूव करता हुआ दिखाता है। इस पे मैं इचुमोकू क्लाउड प्लॉट करता हूँ, इचुमोकू आपको इसको क्लियर एक बुलिश आपको ट्रेंड, एक बुलिश मोमेंटम आगे इंडिकेट कर रहा है, कन्वर्जन लाइन इज अबव द क्लाउड क्रिएट हो रहा है, वो भी ग्रीन है और ब्रॉडन हो रहा है फर्दर, शोइंग कि आपके पास आगे फर्दर बुलिश मोमेंटम होगा इसमें। स्टॉक हैस्टिक भी आपको, स्टॉक हैस्टिक अगर आप इसका देखिए तो स्टॉक हैस्टिक यहाँ पे देखिए बहुत क्लियर, वेरी क्लियर, इसको बड़ा भी कर रहा हूँ, वेरी क्लियरली आपकी जो ब्लू लाइन है वो नीचे से शार्पली कट करी है रेड लाइन को, प्रॉबेबली इसमें आप आगे फर्दर, आप इसमें 1-2 रुपए का फर्दर बुलिश मोमेंटम आप देख लें, उसमें आप गेन देख लें अपवर्ड ट्रेंड पे। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, वी आर नॉट गिविंग यू एनी रिकमेंडेशन, लाइक आई ऑलवेज से हम आपको किसी स्टॉक की बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, दिस इज अ टेक्निकल एनालिसिस, अ ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस। जब आपने कोई स्टॉक लेना है तो आपने उसकी बहुत सारी चीजें देखनी है, उसके फंडामेंटल्स देखने हैं, उसका आउटलुक देखने हैं, तो दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, दिस इज द ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस, जस्ट टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस है जिसपे कभी बाय एंड सेल का डिसीजन नहीं लिया जाता किसी भी स्टॉक प्राइस पे, स्टॉक स्टॉक के लिए। यूनिटी फूड्स को हम देख लें तो यूनिटी फूड में बड़ा क्लियर चेंज है, इसका आरएसआई लेवल, आरएसआई अगर आप देखिए तो 1 ईयर हाई पे है, और मैं आपको अगर देखें तो इसका आपको ये क्लियरली इसको ये आपका ऑलमोस्ट इसका 3 ईयर हाई भी टच कर रहा है। मैं इसको आपको फर्दर अगर आपको बताऊं तो इसका एम ए सी डी भी आपको आगे बुलिश मोमेंटम ही दिखा रहा है। इस पे मैं इचोमोको क्लाउड प्लॉट करूं, ये भी आपको बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, और फाइनली आई वुड लाइक टू प्लॉट स्टॉक हैस्टेक। स्टॉक हैस्टेक भी आपको क्लियरली इसके एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है कि ये आगे आपको इसमें और भी गेन नजर आ रहा है। मैं इसका अगर आपको 1 ईयर हिस्ट्री दिखाऊं तो 1 ईयर हिस्ट्री पे ही अपने अपने एवर हाई पे पहुंच चुका है, पिछले 1 साल के अपने एवर हाई पे है। अगर उसको 3 साल का इसका हम देख लें इसका चार्ट, तो 3 साल में इसने अपना एवर हाई दिखाया हुआ है, इज अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 44-45 रुपीज, दैट वॉज इन अगस्त 2018। करंटली इस प्राइस इज अराउंड, इसकी मेरे ख्याल में अभी की जो प्राइस है ये
18 की है, लेट्स सी आगे फर्दर कितना गेन करता है। वी आर नॉट सेइंग कि ये उस प्राइस पे दोबारा उस प्राइस लेवल पे जाएगा, बट यू नेवर नो, लेट्स सी क्या परफॉर्म करता है। इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स मेजरली आपको एक बुलिश अपवर्ड ट्रेंड ही डिपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो फोजी फूड्स पे आते हैं। फोजी फूड्स का भी RSI उसके अपने इसको अबव पॉट पे लेके गया हुआ है। MACD आपको क्लियर एक बुलिश आगे मोमेंटम बता रहा है। इसका आपस में अगर आप देखिए तो डिफरेंसेस भी काफ़ी ब्रॉडेंड है, और ये आपको क्लियर आपको एक बुलिश ट्रेंड आपको वो इंडिकेट कर रहा है। इसका इचुमोको क्लाउड भी मैं प्लॉट करूंगा, विच इज ऑल्सो क्लियरली बुलिश। ये भी आपको बुलिश ट्रेंड अच्छा खासा एक क्लाउड भी क्रिएट हो रहा है। एंड स्टॉक हैस्टिक, अच्छा स्टॉक हैस्टिक के बारे में अगर आप देखिए तो ये अब आपको यहाँ पे तो आपको दिखा रहा है कि आगे आगे बुलिश मोमेंटम हो सकता है, मगर आप इसके स्टॉक हैस्टिक का बिहेवियर देखिए, ये ओवरबॉट में है और पहले ये इसी तरह आपको दिखा रहा है। प्रॉबेबली आप इसमें करेक्शन भी देख लें, किसी टाइम पे आपको फाइव बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। FFL का मैं 3 साल का अगर चार्ट देखूँ तो इसमें आपको फर्दर जो है ये आपको 35 रुपये इसने अपना हाई दिखाया हुआ है 3 साल का। ऑलरेडी अगर आप इसे देखें तो 1 ईयर हाई पे है, अपने 1 साल के हाई पे है। इसके बाद मैं के रांची इलेक्ट्रिक पे आ जाऊंगा जी। कराची इलेक्ट्रिक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नीचे सेटल हुआ हुआ है, अपने ओवर बॉट थोड़ा सा नीचे आके अब दोबारा अपनी अपवर्ड की मूवमेंट दिखा रहा है। इसका अगर आप MACD देखिए तो MACD आपकी इसकी ब्लू लाइन इज गेटिंग क्लोजर टू रेड लाइन, और इट सीम्स के उसको क्रॉस करने वाली है आगे। शायद इसका अगला एक सेशन भी अगर ग्रीन में होता है तो इट क्लियर इंडिकेशन आपको दे दे कि इसकी अपवर्ड मूवमेंट, फर्दर अपवर्ड मूवमेंट भी है। इचुमोको क्लाउड क्लियर बुलिश है, स्टॉक हैस्टेक भी आपको बड़ा क्लियर। स्टॉक हैस्टेक देखिए, एक तो अवर बॉट से अवर सोल्ड पे भी आया हुआ है, जो आपको इंडिकेट कर रहा था पहले कि इसको खरीद लेना चाहिए, और इसका बड़ा शार्पली वो नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रहा है। प्रॉबेबली कराची इलेक्ट्रिक में आगे आप एक अच्छी बुलिश मोमेंटम देखें, आप आगे फर्दर प्राइस गेन देखें कराची इलेक्ट्रिक में। यहाँ पे कैपको का एक टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। मैं इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर आपको दिखाऊं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज ऑलमोस्ट गोइंग टू अवर सोल्ड लेवल। इसका MACD, MACD भी आपको फर्दर इंडिकेट कर रहा है कि इसमें फर्दर डाउनवर्ड ट्रेंड है। और इचुमोकू अभी तक इस पर बुलिश ही दिखा रहा है, मगर इट सीम्स कि आपकी कन्वर्जन लाइन जो ब्लू लाइन है वो अगर आप देखिए यहाँ पे क्लोजली तो वो ऑलमोस्ट इज वेरी क्लोजर टू रेड लाइन। वन मोर नेगेटिव सेशन इचुमोकू इसका थोड़ा सा आपको बेरिश कर इंडिकेट करना शुरू कर देगा। MACD इसको बेरिश कर इंडिकेट कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, बट इट ऑल्सो शोज, इट ऑल्सो डिपेक्ट्स कि ये अब ओवर सोल्ड पे इस पे एंट्री मार देनी चाहिए, वो आपको ये भी दिखा रहा है। मे बी वन मोर नेगेटिव सेशन, ये टेक्निकली बहुत अच्छे एस पर एवर सही एक लेवल पे आ जाएगा कि इसमें एक एंट्री एक और करनी चाहिए। मैं इसका स्टॉक हैस्टिक देखूँ, स्टॉक हैस्टिक अगर आप देखिए तो स्टॉक हैस्टिक इसमें आपको क्लियर और भी डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाना है, दिखा रहे हैं इंडिकेटर, मगर ऑन द अदर साइड वो भी आपको क्लियरली इसमें बता रहा है कि इट्स ऑन ओवरसोल्ड लेवल। अब देखिए तो कैपको का बड़ा दिलचस्प एनालिसिस है। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है जो इस बात पे नीचे गया है कि उसने डिविडेंड पे आउट कम दिया, डिविडेंड आपको कम दिया, उसका डिविडेंड पे आउट इज सर। अगर आप आई डोंट नो इफ आप इसको बाय द बुक देखिए, इसके टेक्निकल एनालिसिस इसको भी बता रहे हैं कि अपने ओवर सोल्ड लेवल पे है, मगर ये शायद और भी गिरने का इंडिकेशन कर रहे हैं। मगर व्हाट आई फील कि दिस इज द टाइम टू बाय, जहाँ पे बहुत लोग शायद पैनिक सेलिंग कर रहे हो, मे बी आपको एक दो सेशन देख के आपको और इसको अच्छी प्राइस मिल जाए एंट्री करने की। अगेन दिस इज नॉट अ बाय रिकमेंडेशन, मैं सिर्फ एक आइडिया है, एक ये है कि टेक्निकली इट्स गोइंग इन एन ओवर सोल्ड लेवल, मगर ऑन द अदर हैंड एक फंडामेंटल बड़ा मेजर रीजन है कि डिविडेंड यील्ड इसकी ऑब्वियसली पिछले सालों से बहुत गिर गई है, जब इसने क्योंकि इसने अपना डिविडेंड इतना अच्छा अनाउंस नहीं किया इस साल। लेट्स सी मार्केट इसको फर्दर किस तरह बिहेव करती है और ये करती है, मगर ये टेक्निकली अपने ओवर सोल्ड लेवल पे जा रहा है, लेट्स सी ये कहाँ पे जाके सेटल होता है। ये भी एक नोट कीजिए कि इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा पड़ा है, ये इस पे 1 ईयर इसका हाईएस्ट वॉल्यूम है, नॉट इवन 1 ईयर हाईएस्ट वॉल्यूम है,
मैं इसका 3 साल का भी मैं आपको बताऊं तो इसका पिछला ये हाईएस्ट वॉल्यूम पड़ा है जो इस फ्राइडे को पड़ा है। ऑन द अदर साइड अगर आप ये कह रहे हैं कि दिस इज अ मैसिव मेजर पैनिक सेलिंग, अगर सेलिंग है तो किसी ने खरीदा भी है ऑब्वियसली इसको। एज आई सेड, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स इन कराची स्टॉक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। मोर ओवर इसके आगे भी आउटलुक अच्छी है, लेट सी व्हाट हैपेंस। टेक्निकली एक अब अपने ओवर्स होल्ड पे लगे रहे। आई थिंक, आई डोंट नो, इसको आप इसको वॉच लिस्ट में जरूर रखिए कि आपको को मे बी इट वुड बी, आपको एक बहुत अच्छी ऑप्शन ये दोबारा दे दे, एक अच्छा अपना एंट्री पॉइंट दे दे कि आपको मैं आपको ये एंटर होने का। कैपको के बारे में फर्दर ये भी ऐड करना चाहूंगा कि बहुत मेजर रिसर्च हाउसेज, जो बड़े बड़े हमारे रिसर्च हाउसेज हैं जैसे आर एफ हबीब, ए के डी और जहांगीर सिद्दीकी, ये इसकी अपनी रिसर्च हाउसेज में इसकी रिपोर्ट एट टाइम्स वो करते हैं, तो इसकी जो वो फेयर वैल्यू जो टारगेट प्राइस एट टाइम्स 40 से ऊपर की देते हैं, क्लोजर टू 50 रुपीज़ देते हैं एट टाइम्स। मगर अगेन दैट वॉज कम्पेयर्ड ऑन बेसिस, ऑन द बेसिस के बहुत अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक था जो अभी इस साल में नहीं है। ये हम इसकी फर्दर हम आपको आउटलुक बता सकेंगे कि आगे ये मार्केट इसके बारे में किस तरह बिहेव करती है। पीटीसी के मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस दे दूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है और एमएससीडी भी मैं प्लॉट कर लूं, और इसका यहाँ पे मैं प्लॉट करूंगा आपको इचिमोकू। इचिमोकू इज क्लियरली बुलिश, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको ओवरबॉट पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, शोइंग कि इसको अब बेच देना चाहिए। एमएससीडी ऑन द अदर हैंड इसको आगे आपको अपवर्ड ट्रेंड दिखाता हुआ नजर दिखा रहा है, मगर एमएससीडी भी इसके अपने अवर बॉट पे गया हुआ है। इट सीम्स के एमएससीडी हैज आल्सो हैज टू एक वेव को, उसने अगर वेव बनानी है तो प्रॉबेबली आगे आप किसी टाइम भी इसका डाउनवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं, यू नेवर नो, दिस इज नॉट। हम इसमें एक और भी इंडिकेटर प्लॉट जरूर करेंगे विच इज स्टॉक हैस्टिक। बस स्टॉक हैस्टिक देखिए, तो एज ऑन 16 सितंबर स्टॉक हैस्टिक आपको इसकी अपवर्ड मूवमेंट शोर कर क्लियरली शो कर रहा था, शोइंग कि इसने ऊपर जाना है, और मगर फॉर अब वो देखिए तो ब्लू लाइन इस वो वापस रिटर्न हो रही है और इट्स अबाउट टू कट पर रेड लाइन। प्रॉबेबली आगे कि आप किसी सेशन में इसका एक नेगेटिव सेशन देखें, आप इसमें फॉल देखें, इसमें करेक्शन ज़रूर देखेंगे आप, शायद करेक्शन होगी, और फिर मेरे ख्याल में ये मुझे अभी तो लॉन्ग टर्म में शायद इसका आप नॉट इन अ लॉन्ग टर्म, शायद जैसे इंडेक्स ऊपर जा रहा है ये भी आपको इसी तरह आपको बुलिश मूव करता हुआ दिखाई देगा। हैस्कॉल हम जरूर कवर करेंगे क्योंकि दिस इज लाइक हमेशा से, अभी ये भी इतने अरसे से टॉप रेटेड स्टॉक्स में ही है। मैं इस पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स प्लॉट करूंगा इसका, लेट मी प्लॉट एमएसीडी टू। एंड इचिमोको क्लाउड, अच्छा सर हैस्कॉल अगर आप देखिए तो एक तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने आरएसआई के एक्सट्रीम ओवरबॉट लेवल से आके इसने अपने आप को सेटल किया 70 पे, मगर स्टिल ओवरबॉट। अगर आप यहाँ पे नोट कीजिए इसका आरएसआई अभी भी ओवरबॉट पे है, इसकी वैल्यू अभी इट्स अराउंड 67, 70 के क्लोज क्लोज इज ओवरबॉट। आई डोंट नो लास्ट टाइम इसने अपना जो लोएस्ट अभी पिछली रैली में अगर अपने आरएसआई दिखाया है 57, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो 57 तक ये शायद इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाता है अगर ये कोई फैक्टर करेक्शन करता है। यहाँ पे आप एमएससीडी को देखिए तो ब्लू लाइन और रेड लाइन आपस में क्रॉस हो रहे हैं, ब्लू लाइन प्रॉबेबली रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे, और रेड लाइन आपको उसको नीचे से ऊपर क्रॉस कर रही होगी प्रॉबेबली आगे का सेशन को, इसमें आगे में करेक्शन या नेगेटिव सेशन होगा इसका। दिस इज वॉट आई थिंक, आप इसमें फॉल देखें, करेक्शन जरूर देखेंगे। इचिमोकू क्लाउड 2 ऊपर का ट्रेंड दिखा रहा है आपका, मगर इतना प्रोमिनेंट अभी तक ग्रीन क्लाउड क्रिएट नहीं हुआ कि इसके आपके फर्दर आगे इसने कितना ऊपर जाना है। मैं इस पर स्टॉक हैस्टिक भी अगर आप देखें तो स्टॉक हैस्टिक भी आपको अभी तक इसमें बेरिश मूवमेंट ही दिखा रहा है, कि शॉर्ट टर्म में अगला कुछ सेशन भी इसका एक और नेगेटिव, आप 1-2 सेशन इसके नेगेटिव जरूर देखेंगे। आज हम यहीं पे अपना आज की वीडियो विल क्लोज इट ओवर हियर। विल ट्राई टू मेक मोर फ्रीक्वेंट वीडियोस एंड टू आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए, हमारी वेबसाइट पे एक फीचर है विच आपको जिस पे आप जाके एक लिमिटेड टाइम ऑफर ले सकते हैं। यू कैन गो आस्क फॉर अ फुल डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन चॉइस ऑफ एनी ऑफ योर स्टॉक, डू अवेल इट।
स्टे सेफ, कीप योर इन्वेस्टमेंट सेफ, इन्वेस्ट वाइजली। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।